हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शैकत प्रिया। तो तुम्हारा देखो आमार छोटो एक ब्लॉग। तो जानी ना तुम्हारा सबाई कीरकम आछो, आशा करछि सबाई भालो आछो, आमिओ भालो आछि। तो तुम्हारे सामने आज के निये आसलाम आगरतला राजबाड़ीते। आज के लाइट शो होयेछिलो, तो जानी ना केउ देखेछो कि ना। तो आमि फार्स्ट टाइम गेलाम, तो तुम्हारे साथे भिडियोटा शेयर करलाम। तो तुम्हारा भिडियो स्किप ना करे देखते थको जो कीरकम लागल तुम्हारे। जदि भलो लेगे थे तो कमेंट अवश्य बोल। और अभी फार्स्ट टाइम गए ये, तो तुम्हारे जो भलो लेगे थे अवश्य हाँ बोलो और हमार चैनल के सबसक्राइब कर दिओ। और जो भिडियो भलो ना लागे तो क्यों देखो ना। तो चलो देखते थको भिडियो कीरकम हलो, कीरकम लागल तुम्हारे तो अवश्य कमेंटे बोलबे। टाटा। सत्य कथा आज के जावर कोनो प्लान छिलो ना, तो हठात करे राजबाड़ी सामने दिए जाच्छिलाम, तो देखलाम जे देखते लाइटगुलो खूबी भालो लागछे। तो तार जोन्नो ठीक आछे, घुरते जखन बेरियेछि ताहले छोट्ट आगरतला शहरटार मध्ये जेहेतु एत सुंदर एकटा राजबाड़ी लाइट दिए साजिएछे, तो ओइटाके एकटु देखे आसि। तो तार जोन्नो तोमादेर साथे शेयार करलाम। तो आमि देखे एत এতটাই খুশি হলাম, এতটা ভালো লেগেছে, মানে কি বলবো তোমাদেরকে, মানে ফার্স্ট টাইম এরকম দেখলাম। তো তো তার জন্য মানে খুব ভালো লেগেছে দেখে। তো তোমরাও দেখো, আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আগরতলা আমাদের ছোট্ট শহরের মধ্যে এত সুন্দর যে দেখতে লাগবে রাজবাড়িটা, মানে কখনো ভাবিনি সত্যি কথা বলতে। সত্যি কথা বলতে কি আমার এতটা ভালো লেগেছে ওখানে গিয়ে, মানে কি বলবো তোমাদেরকে, মানে আমার বলার কোনো ভাষা নেই। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। তো কিরকম লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে। দেখো শুরু হয়ে গেছে, দেখো একটু পরেই শুরু হবে রাজবাড়ির ভিতরে, যে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটা, সাড়ে সাতটা থেকে আটটা একটা লাইট শো শুরু হয়। তো আগের যে রাজা ছিল আমাদের, তো উনির জীবন কাহিনী, উনি কীভাবে ছিলেন এখানে বা কী হয়েছিল, তো সেগুলি ওনার কাহিনী সব তুলে ধরবে এই ভিডিওটার মাধ্যমে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। হ্যালো গাইস, আশা করছি তোমরা ভিডিওটা দেখবে, স্কিপ করবে না কেউই। তো তোমাদের ভালো লাগবে আশা করছি। তো দেখো শুরু হয়ে গেছে। তো তোমরা যদি দেখতে চাও প্রত্যেক দিন রোজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটা, সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত দুইটা শো দেখানো হয়। তো তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে গিয়ে দেখতে পারো। তো শো শুরু হয়ে গেছে। তো তোমরা যদি ভালো লাগে, তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেউ ভিডিওটা স্কিপ করে দেখো না, তাহলে যদি স্কিপ করে দেখো তাহলে কিছুই বুঝবে না যে এটার মধ্যে কী বলেছে, কাহিনীটা কী। তো তোমরা স্কিপ না করে ভিডিওটা সবটা দেখতে থাকো। अपने चिंतई दुर्भेंद्र को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता नहीं, आपको हमारे राजवंश का संपूर्ण इतिहास भी कंठस्थ है। मेरी इच्छा है कि आप सरल भाषा में वो कथा हमें सुनाएं और हमारे राज कवि बाणेश्वर और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेष्ठ है, इसलिए मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। त्रिपुरा पर शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना ओजस्वी है
कि उसे बार बार कहा और सुना जाना चाहिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी सम्राट ययाति के 5 पुत्र हुए, पुरु, यदु, कर्वसु, अनु और द्रुयु। सभी ने अलग अलग दिशा में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना की। द्रुयु दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गए और कपिल मुनि के आशीर्वाद से सागर द्वीप में अपना राज्य स्थापित किया। कपिल मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, त्रिवेद नागरम शुभम। महाराज द्रुयु के 27वें वंशज पूर्व दिशा की ओर गए, जहां उन्होंने किरातों को परास्त किया। वहीं ब्रह्मपुत्र और कपिला नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया गया, जिसका नाम त्रिवेद था। त्रिपुरा केवल एक शब्द नहीं, कृपा है शिव और शक्ति की। पीठमाला तंत्र में स्वयं महादेव ने ये घोषणा की है कि धरती पर जहां भी माता सती के अंग घिरे, वहीं शक्ति पीठ की स्थापना हुई। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में देवी का दाहिना पैर गिरा। पूजनीय देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है और यहां स्थापित शिव का नाम त्रिपुरेश भैरव हुआ। और इस तरह शुरुआत हुई एक कीर्तिवान राजवंश की, जिसने करीब 3000 साल तक आर्यवर्त के इस महान भाग पर शासन किया। हेलो गाइस, तो तुमरा देखछो वीडियोटा, तो कहानीटा सुनो कि बोलछे। আর ভিডিওটা স্কিপ কেউই করো না, বারবার তোমাদেরকে বলছি। আমিও তোমাদের মতোই, যারা ইউটিউব করে থাকো আমিও তোমাদের মতোই ছোট্ট একটা ইউটিউবার, তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সবটা ভিডিও দেখো, না হলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না যে কাহিনীটার মধ্যে কি বলেছে বা কি তুলে ধরেছে। তো তোমরা যদি দেখতে চাও তো রোজ সন্ধ্যা 6:30 থেকে 7টা বা 7টা থেকে 8টা দুইটা শোই দেখানো হয়। তো তোমরা গিয়ে দেখতে পারো, খুব ভালো লাগবে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে গিয়ে দেখে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো, স্কিপ না করো। উজ্জ্বল মুখ, উন্নত গুম্বদ, রাজসী ছাপ, সারা বিশ্ব মুঝে সম্মান সে উজ্জয়ন্ত মহল কহকর পুকারতা হ্যায়। मेरा नामकरण किसने किया यह रहस्य इतिहास में कहीं खो गया है, परंतु मेरे नींव में मिले ताम्र पत्र पर लिखे संस्कृत श्लोक में मेरा नाम मिल जाता है। 1857 के भूकंप में अगरतला का राजमहल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तब महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में मेरा निर्माण करवाया। और मुगल कला का मिश्रण देखा जा सकता है। अपने दो तालाबों और दोनों तरफ बने खूबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूं। यहां के पर्वत त्रिपुरावासियों के अदम्य स्वभाव के चिन्ह हैं। नदियां जैसे कला और संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब। यहाँ के उदार जंगल जीवन को आश्रय देते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वैदिक कवियों की कल्पना से अद्भुत है। शिव और शक्ति परोक्ष रूप में बसते हैं, तो धर्म
यहाँ के नरेशन के रूप में प्रत्यक्ष अवतार लेता रहा। यहाँ 184 शूरवीर धर्मावतार राजाओं ने राज किया। वे संघर्ष के लिए सदा प्रस्तुत रहे और बलिदान के लिए सदैव तत्पर। त्रिपुरा के प्रथम नरेश से लेकर अंतिम शासक ने अपना सर्वस्व देकर इस परंपरा का निर्वाह किया। इस राजवंश के अंतिम प्रजापालक महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक के बहादुर को याद करता हूँ तो याद आता है उनका समर्पण, त्रिपुरा को विकसित करने और आधुनिक बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, और साथ ही याद आता है वो एक दिन जब नेति ने हमसे विश्वासघात किया। मई 1947, भारत की स्वतंत्रता अब केवल 3 महीने की दूरी पर थी। भारी अनिश्चितता का समय था। देश की तरह ही राज्य में भी विघटनकारी शक्तियां सर उठा रही थी, परंतु महाराज का आश्रय था सो जनता निश्चिंत थी। अपने कर्तव्य के प्रति सजग महाराज वीर विक्रम हर गतिविधि पर नजर रखे थे, पर इस बीच रोग ने उन्हें आघेरा। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अफरा तफरी में कोलकाता के प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलवाया गया। महाराज की सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने कमरे में लगे भगवान शिव के चित्र को देखा। भूपाल और भगवान के बीच जैसे एक मूक संवाद हुआ। हे महादेव, 15 साल की आयु में जब मुझे धर्मासन पर बैठाया गया था, तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने त्रिपुरा के उत्थान के बारे में ना सोचा हो। यह दायित्व ही तो मेरे जीवन का आधार बिंदु है। आज जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मुझे प्रयास करने का अवसर भी नहीं देंगे प्रभु? मन पर ये बोझ लिए 17 मई 1947 के दिन महाराज का देहांत हो गया। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। जो बात पहले दबी जबान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेके हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेके हिंदुस्तान। राज्य का अस्तित्व दांव पर लगा था और भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी? काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूं तो 13वीं सदी पर आकर रुक जाता हूं। ये वो समय था जब तलवार लहराते बर्बर आतताई राज्य की सीमा लांघने लगे थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरा का राजकाज महाराजा चेंगथोंगफा ने संभाला। एक दिन शिकार खेलते हुए महाराज ने जंगली वराह को अपने तीर का निशाना बनाया, परंतु उसी समय उस वराह को राजकुमारी नैफोक्ति का तीर भी आ लगा। संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ, जिसका परिणाम विवाह था। किंतु ये बात कोई नहीं जानता था। हेलो गाइस, तो जानी ना तुम्हारा कौन कौन जगह থেকে আমার ভিডিও দেখছো বা আমাকে সাপোর্ট করছো, কেউ কি করছো না আমি কিছু জানি না। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্টে আমি যতটুকু পারি এগিয়ে যেতে পারি, এগিয়ে যাব। তো তোমরা কেউ ভিডিওটা স্কিপ করো না, স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখো আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। তো তোমাদের ভালোবাসা যদি না থাকে তাহলে আমি কিছুতেই এত ছোট একটা ইউটিউবার মানে ভালো জায়গাতে যেতে পারবো না। যদি তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করো। তো তোমাদের সাপোর্টেই আমি এগিয়ে যাব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো। মহার সভি সেনা অধ্যক্ষ আপকি রাহ দেখ রহে হ্যায়। সেনা অধ্যক্ষ সে মিলকর কহুঙ্গা ক্যা মহারানী, হে রাওয়ত খান কি সেনা সে টক্কর লেনা आत्मघात है। समर्पण से तो मृत्यु उत्तम है। आप समझ नहीं रही हैं महारानी,
सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, ये शुभ संकेत नहीं है। धर्मावतार, जब शत्रु द्वार तक आ पहुंचे तो वीर पुरुष की भुजाएं भड़कती हैं। यदि आपको अनिश्चय ने स्तब्ध कर दिया है तो हिरावन खान का मुकाबला मैं करूंगी। और महारानी ने ऐसा ही किया। विकराल गज पर सवार महारानी नैथोक्ति क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के एरावत को चुनौती दे रहा हो। महारानी की चीतकार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुई। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्य माणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया। महाराज धन्य माणिक्य का सामना बार बार बंगाल के सुल्तान हुसैन शाह से हुआ। अपनी सामरिक सूझबूझ और छापामार युद्ध पद्धति के चलते वे हमेशा हुसैन शाह पर भारी पड़े और उन्होंने बंगाल का काफी हिस्सा भी अपने अधीन कर लिया। एक युद्ध में तो इनके सैनिक हुसैन शाह की एक तोप को ही उठाकर अपने साथ त्रिपुरा ले आए। महाराज धन्य माणिक्य ने कई युद्ध अभियान चलाए। एक ओर कुकियों के किले पर अद्भुत तरीके से चढ़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने राज्य को फैला दिया, तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कजार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्य माणिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी थी। उनके राज में सीमाओं के विस्तार के साथ साथ कला का भी प्रसार हुआ। उनके द्वारा बनवाए गए चतुर्दश देवता मंदिर, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और भैरव मंदिर इस बात को सिद्ध करते हैं। महाराज धन्य माणिक्य ने अपने मानवतावादी पक्ष से परिचित करवाते हुए ये संदेश दिया कि वीरता केवल शत्रु का सामना करने में नहीं जन कल्याण में बाधक बन चुकी हानिकारक परंपराओं को चुनौती देने में भी है। महाराज, दली देना तो अति आवश्यक है। देवी देवता प्रसन्न होंगे तभी तो राज्य समृद्ध होगा और आपके यश में वृद्धि होगी। मैं आप सभी पुरोहितों का आदर करता हूँ, परंतु हर वर्ष हजारों निर्दोष पशुओं और युवकों का रक्त बहाने से मिलने वाले यश से मुझे अब यश प्रिय है। आप तो धर्मावतार हैं, आप धर्म विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा धर्म मुझे दया और सत्य आचरण सिखाता है। अपने मंदिरों में लगे शिल्पकारों को मैंने सदा उनके श्रम का सही दाम दिया है। हाँ, यदि चाहता तो धर्म के नाम पर और बल प्रयोग कर उनसे निशुल्क काम करवाता, तब मुझमे और यवनों में क्या अंतर रह जाता? मेरे लिए धर्म वही है जिसमें सबका कल्याण हो। इसलिए यह आदेश है मेरा कि अब से निर्दोष युवकों की बलि नहीं होगी। महाराज धन्य माणिक्य ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने बाद आने वाले राजपुरुषों को सदा ही प्रेरित किया। 17वीं सदी में राजपथ पर नियुक्त हुए महाराज गोविंद माणिक्य ने तो अपनी अहिंसावादी और दयालु प्रवृत्ति के कारण अपना राजपाट तक गवा दिया। वे जंगलों में भटके फिर भी कभी सतपथ को नहीं त्यागा। 1660 ईस्वी में महाराज गोविंद माणिक्य आरकान में निवास कर रहे थे। आपसी संघर्ष के चलते उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। उन्हें खोजते हुए मुगल शहजादा शुजा आरकान पहुंचे और उनसे सहायता मांगी।
और उन्होंने आश्रयदाता का धर्म निर्भय होकर निभाया। इस बात की खबर शुजा के भाई औरंगजेब तक भी पहुंच गई। शुजा को क्या लगता है, वो त्रिपुरा में जा छिपेगा तो मेरी शमशीर से बच जाएगा? त्रिपुरा के राजा के नाम एक शाही फरमान जारी करो और उन्हें कड़े लफ्जों में समझा दो कि मुगलिया सल्तनत से बेअदबी करने का क्या अंजाम होता है। एलची को फौरन से पेशतर रवाना किया जाए। औरंगजेब का चेतावनी भरा फरमान अब आरकान की तरफ रुख कर गया था। तो क्या धमकी दी है हमारे भाई ने? कहलवाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप शुजा को गिरफ्तार कर लेंगे और अपने फौजियों की निगरानी में उसे मेरे पास एहतियात से भिजवा देंगे ताकि हमारी पुरानी दोस्ती बनी रहे। हमारा हुक्मनाम मानने का अंजाम हमारे रिश्ते के लिए अच्छा ना होगा। आप क्या करेंगे महाराज? अपने सिद्धांतों के लिए मैंने राजसी सुख का भी परित्याग कर दिया। शरणागत का धर्म में अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। आप जब तक हमारे पास रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अपने इन्हीं विचारों को हेलो गाइस, तो तुम्हारे सामने जो वीडियोटा तुले धरलाम যে মহারাজা ছিলেন আমাদের, ওনার জীবন কাহিনী, তো তোমাদের কিরকম লাগলো অবশ্যই আমাকে বলবে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম গিয়েছি এখানে। তো তোমরা যদি যেতে চাও তাহলে অবশ্যই যেতে পারো, এখানে গিয়ে দেখতে পারো। তো তোমাদের টাইমটাও বলে দিয়েছি যে শো টাইম কয়টা, আবারও বলছি সন্ধ্যা 6:30 থেকে 7:00, 7:00 থেকে 8:00 প্রত্যেক দিনই শো দেখানো হয়। তো তোমরা যদি দেখতে চাও গিয়ে দেখতে পারো। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, না হলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না যে মহারাজের জীবন কাহিনী কি তুলে ধরেছে এটার মধ্যে। তো তোমরা দেখো, অঙ্গ্রেজোঁ কে পাঁও ভারত মে পড় চুকে থে, 1761 সে ত্রিপুরা অর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মে সংঘর্ষ শুরু হুয়া। যুদ্ধ কে ময়দান মে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কা পলড়া হমেশা ভারী রহা, পরন্তু আপনি কূট নীতি সে অঙ্গ্রেজ আপনি পকড় মজবুত করতে গয়ে। समय तेजी से बदला, मुगलों का पतन हुआ और अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इस परिवर्तन के बाद भी माणिक्य अपना कर्तव्य निभाते रहे। 1838 में महाराज कृष्ण किशोर माणिक्य ने वर्तमान अगरतला की नींव रखी। फिर आगमन हुआ उस राजपुरुष का जो त्रिपुरा में आधुनिकता की लहर लाने वाला भगीरथ वीर चंद्र माणिक्य ने सत्ता संभाली। अब निरर्थक युद्ध बंद हो चुके थे और प्रगतिशील विचारों से त्रिपुरा की रूपरेखा बदलने लगी थी। अपने सतपथ गामी पूर्वजों की तरह ही महाराजा वीर चंद्र माणिक्य ने सामाजिक कुरीतियों पर घात किया। सती प्रथा बंद हुई, दास प्रथा से त्रिपुरा को मुक्ति मिली। जहाँ एक ओर सामाजिक सुधार हो रहे थे, वहीं नई व्यवस्थाओं का गठन भी हो रहा था। महाराज का सबसे बड़ा योगदान कला के प्रोत्साहक के रूप में रहा। वे वास्तव में संगीत, साहित्य, लोक साहित्य और फोटोग्राफी के पारखी थे। महाराजा भीलचंद्र की फोटो कला इतनी व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई कि अमेरिका की फोटोग्राफिक पत्रिका प्रैक्टिकल फोटोग्राफर ने अपने एक अंक में महाराजा की सचित्र जीवनी प्रकाशित की। महाराज नए नए प्रयोग करने के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने ही कैमरे से खुद अपनी और महारानी की तस्वीरें ली। ये इतिहास की पहली सेल्फी थी। विविध कलाओं को संरक्षण देने के साथ साथ वे स्वयं एक प्रवीण संगीतज्ञ और कवि थे। महाराजा पेंटिंग में भी माहिर थे। उन्होंने अपने पूर्वज राजाओं के चित्र बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कलाकार को नियुक्त किया। उनकी कल्पना और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। হ্যালো গাইস, তো আজকে তোমাদের সামনে একটা নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। তো তোমাদের কিরকম লাগলো অবশ্যই আমাকে বলবে, আমি বারবার বলছি। তো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে, আমারও খুব ভালো লেগেছে। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ করো না, স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমাকে সাপোর্ট করো। তোমরা যদি আমাকে সাপোর্ট না করো তাহলে আমি সামনে কিছুই করতে পারবো না। আমার খুব ইচ্ছে যে আমি অন্যদের অন্য ইউটিউবারদের মতনই আমি কাজ করব। তো তার জন্য আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম
আজকে আমাদের আগরতলার যে রাজবাড়ি ওনার জীবন কাহিনী, রাজার জীবন কাহিনী পুরোটাই তুলে ধরলাম। তো আমাকে তোমরা ভালোবাসা দিও, আমাকে সাপোর্ট করো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেও। তোমরা যদি না করো আমাকে, তাহলে আমি সামনে এগোতে পারবো না। তো আমার খুব ইচ্ছে যে অন্য অন্য ইউটিউবারদের মতো আমিও একটু ভালো কোনো কিছু একটা করি বা ভালো একটা জায়গাতে যেতে পারি। তো আমারও খুব ইচ্ছে। তো তোমাদের ভালোবাসা না থাকলে আমি পারবো না। তো তোমরা অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। তা আমাকে আমার ভিডিও কীরকম লাগে তোমাদের আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আশা করছি তোমাদের ভালোই লাগবে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো। तब त्रिपुरा ने बर्मा में हो रहे युद्ध के लिए अपनी सेना भेजी और भारत पर जापानी आक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई। महाराजा वीर विक्रम द्वारा तैयार की गई फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स ने जापानी अतिक्रमण को कुचल कर रख दिया। अंग्रेज अफसरों से सम्मान और प्रशंसा पाकर त्रिपुरा के वीरों ने मातृभूमि को गौरव प्रदान किया। उच्च आदर्शों और महान नरेशों वाला माणिक्य राजवंश कभी भी अपने राजधर्म से विमुख नहीं हुआ, परंतु हर उज्जवल सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर अस्त हो ही जाता है। भारत की आजादी से 3 महीने पहले महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का निधन त्रिपुरा के लिए प्रलय के समान था। उनके बाद उनके 14 वर्षीय पुत्र महाराजा किरीट विक्रमा किशोर माणिक्य को त्रिपुरा का राजा घोषित किया गया और शासन की बागडोर उनकी माता महारानी कंचन प्रभा महादेवी ने संभाली। परंतु महाराज वीर विक्रम की मृत्यु के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्य में दंगा फसाद ना हुआ हो। यदि महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन से होने वाले विध्वंस को रोक सकते थे। त्रिपुरा की सरकार अराजकता की ओर बढ़ रही थी, हर तरफ मारकाट मची थी और उस पर त्रिपुरा पर पाकिस्तान का कब्जा होने का खतरा अलग से था। इस घोर निराशा के काल में एक बार फिर नारी शक्ति ने राज्य की रक्षा की। 13वीं सदी में महारानी त्रिपुरा सुंदरी ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तलवार उठाई थी। अब वर्षों बाद क्षत्राणी कंचन प्रभा महादेवी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। त्रिपुरा के कई महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आंदोलन किया और महारानी की शक्ति बढ़ाई। महाराते पर महारानी ने हस्ताक्षर किए जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा भारत का पारसी राज्य बन गया। माणिक्य राजवंश का गौरवशाली राज्य काल पूर्ण हुआ और त्रिपुरा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। आज त्रिपुरा भारत का बेशक 3रा सबसे छोटा राज्य है, परंतु इसकी परिधि में हजारों वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास है, उत्कृष्ट कला है, विस्तृत ज्ञान है और संजोई हुई धरोहर है भारत की संस्कृति की। त्रिपुरा का श्रेष्ठ संसाधन उसके नागरिक हैं, जिन्हें विरासत में वो गुण मिले हैं जो इस राज्य को निरंतर चरमोत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुफ्त दी जाती है और साक्षरता में त्रिपुरा देश के कई राज्यों से। हेलो गाइस, तो आज के वीडियोटा এতটুকু মহারাজার যে জীবন কাহিনীটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো এতটুকু পর্যন্ত দেখালো। তো এখানেই শেষ হলো ভিডিওটা। তো তোমাদের কীরকম লাগলো তা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে। তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, সাপোর্ট যদি না করো, তোমাদেরকে বারবার বলছি সাপোর্ট যদি না করো তাহলে আমি সামনে এগোতে পারবো না। তোমাদের সাপোর্ট, তোমাদের ভালোবাসায় আমি এগোতে পারবো। আমারও খুব একটা ইচ্ছে যে অন্যান্য ইউটিউবারদের মতো আমি একটু কাজ করি, তাদের মতো একটু মানে মানুষ আমাকে চিনুক বা আমাকে ভালোবাসা দিক। তো আমি এটাই চাই। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকুই। তো নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। তো তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত একটু দেখতে থাকো। তো যে কাহিনী তুলে ধরলাম কাহিনীটা এতটুকুই শেষ হলো। তো দেখো বাকিটা। ওই যা।
তো এখন বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছি। তো এতটুকুই শেষ আজকের ব্লগটা। তো দেখো অনেকেই এসেছে দেখার জন্য, তো আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর যদি ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসো তারাও ভালো, মানে ভালো লাগবে তাদেরও, তারাও ভালো দেখতে পারবে আমাদের আগরতলা শহরে যে রাজবাড়ির মধ্যে যে লাইট শোর ভিডিও হচ্ছে। তো প্রত্যেক দিনই দেখানো হয় সন্ধ্যা 6:30 থেকে 7:00, 7:00 থেকে 8:00। তো তোমরা এসে দেখতে পারো, তো ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে দেখতে পারো, তো ওদেরও খুব ভালো লাগবে দেখে। তো আশা করছি তোমরা জীবন কাহিনীটা বুঝতে পেরেছো। আর তোমরা আমাদেরকে কমেন্টে অবশ্যই বলবে কীরকম লাগলো। তো আজকের জন্য ব্লগটা এতটুকুই। তো তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। তো রাজবাড়ি থেকে এখন বের হয়ে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তো দেখি বাড়িতে যাওয়ার আগে কী খেয়ে যেতে পারি। তো তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারলাম না। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে, টাটা।